अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुमरा से लगभग 700 लोग बिहार जाने के लिए मुमरा के जैन मंदिर मैदान में आए, मगर शाम 6 बजे उन्हें वापस लौटा दिया गया। हम आपको बता दें, मुमरा पुलिस की तरफ से एक मैसेज वायरल हुआ कि जिन लोगों ने 3, 4, 5 मई को फॉर्म जमा किया है, वो 2 बजे मुमरा के जैन मंदिर मैदान में पहुंचे। इसके बाद इस मैदान में लोग जमा होना शुरू हो गए। लोगों को बताया गया कि उनको यहां से बस द्वारा ठाणे ले जाया जाएगा, उसके बाद ठाणे रेलवे स्टेशन से बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठाया जाएगा, मगर शाम होते ही उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि बिहार जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई। इसकी जानकारी मुमरा पुलिस द्वारा माइक पर अनाउंस करके दी गई। वहीं यहां आए लोगों ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, आपका जो उधर का स्टेट है, उधर से अप्रूवल आना चाहिए, उधर से अप्रूवल आने के बाद ही आपको छोड़ा जाता है। बिहार का अप्रूवल आया हुआ है, अभी आपको क्या है कि ट्रेन की जो रेलवे मंत्रालय की जरूरत थी वो हुई नहीं। अरेंजमेंट कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मेरे को भी इतना पता नहीं। उन्होंने मैसेज दिया है कि आज का जो बिहार का ठाणे से जाने वाला ट्रेन है वो आज नहीं जाएगी। आपका डाटा पूरा कलेक्ट किया है, आपके उधर से स्टेट का अप्रूवल आ गया, सबको बारी बारी दो चार दिन में भेजा जाए। कल परसों जिनका हुआ था, तकरीबन जो है तकरीबन 900-950 लोगों का आज का ये था। तुम्हारा एक आध नंबर गलत हो गया होगा ना लिखने में, या हमसे लिखने में, या तुमसे लिखने में। हाँ, जिसने फॉर्म भरा है वो कन्फर्म है, ये ध्यान में रखो। बिहार वाले तो कन्फर्म है। ट्रेन में आपको बिठाना ये महाराष्ट्र शासन की पूरी जिम्मेदारी है। इधर से आपको बस से लेके जाएंगे, बस से आपको ट्रेन के डिब्बे सीट तक पुलिस छोड़ के आएगी। ऐसा नहीं कि तुम इधर आकर तुमको ऐसे चलो बैठो, ऐसा नहीं होने वाला। बस आराम से सभी को बैठने की जगह मिलेगी। क्या हुआ, आप आज आप वापस क्यों जा रहे हो? एक्चुअली 12:30 बजे के टाइम मैडम फोन आया था यहाँ पुलिस चौकी से। बोला गया हम लोगों को कि 2 बजे जो है यहाँ से जो है बस निकलेगी, आप लोगों को जाना है। तो हम लोग जो है फटाफट सब चीज़ पैक की और आ गए। फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया लगभग, अभी कितना टाइम हो रहा है, 6 बजे हो, 6 बज गया। फिर अभी जो कोई पुलिस आए, उन्होंने बताया कि आप लोगों का जो है ट्रेन कैंसिल हो गया, क्योंकि जो है यह रेलवे अथॉरिटी का यह है। अब वो क्यों कैंसिल कर रहा है ये नहीं कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों को बता दिया है फ़ोन करके। अभी हम लोग रूम खाली कर दिया, अभी रूम वाला हम लोग को रूम देगा नहीं। आप कहाँ रहेंगे अभी? तो आप कल भी आए थे? नहीं, कल नहीं आए थे, आज ही आए थे। तो आपको फोन किए थे? हाँ, फोन आए थे ना। मेरे साथ में एक प्रेग्नेंट बीबी है, एक और है, दो लेडीज है, एक साला है। कहाँ रहेंगे अभी? रोड में भटकना पड़ेगा इधर से उधर। अच्छा मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि हम लोग को बोला गया, जिसे मैसेज गया था कि आप लोग 2 बजे तक आ जाइए। हम लोग 2 बजे वो कड़ी धूप में घूम कर आए, इधर भूखे प्यास बैठे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपना जहाँ रहे वो तो सब हम लोग ताला वाला मार करके दे दिए, अब हम लोग जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? कल हम लोग को 3 बजे बुलाया था इधर, पुलिस वालों ने ऐलान दिया था हम लोग को, बोले 3 बजे इधर पहुँच जाना। तो हम लोग 25-30 आदमी पहुँच गए थे इधर, तो 25-30 हम लोग कुछ इंटरव्यू आए उधर से अंदर से, बोले 6 बजे तक देखो। 6 बजे के देखते देखते हम लोग 8 बजे इंतजार किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। आप कह रहे तो घर जाओ, अपना काम खाना पीना करो। हम लोग खाना पीना 8 बजे का चला गया, आज फोन आया कुछ 1:30 बजे पहुँच जाओ इधर। तो हम लोग 1:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आज भी कह रहा था कुछ होगा नहीं सर, अब ये ट्रेन भी हो गया कुछ। तो अब कब भेजेंगे? लोगों ने कुछ जानकारी दी है तुमको? कुछ अभी कल सुबह बोल रहा है, देखो दे फोन आएगा तो ऐसे तो आ जाना, आप फोन के इंतजार करते हैं हम लोग। मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि तुम 1:30 बजे आ जाओ, यहाँ से बस जाने वाली है और शायद ठाणे ट्रेन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे 1:30 बजे आ गए, अभी सूचना मिली कि ट्रेन कैंसिल हो गया। कल जब फोन आएगा तो कल तुम आना, वो भी क्लियर अभी भी नहीं किया कुछ। तो आपने सुना ये लोग अपनी परेशानी कैसे बता रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और अपना मकान खाली करके आए थे। उनका कहना है अब हम वापस कहां जाए, क्योंकि मकान मालिक अब हमें घर नहीं देगा। वहीं पुलिस का कहना है जब तक ट्रेन कंफर्म नहीं होती है, आपको फोन नहीं आता है, आप ना आए। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।